ठीक हो गया। sex link traits क्या हैं? Traits which are determined by the genes present upon sex chromosome. और सेक्स क्रोमोसोम दो हैं, एक्स एंड वाई। ट्रेड्स भी इसी तरह से फिर दो हो जाएंगे, एक्स एंड ट्रेड्स भी दो हो जाएंगे। एक तरह आएंगे, अभी तीन हैं। एक तरह आते हैं ये एक्स एंड number color blindness
hemofilia and TMM syndrome. Board blur nahi hai, board saaf hai bhai. बिल्कुल क्लियर है बोर्ड. आपके नेट का इश्यू हो सकता है, वैसे बोर्ड ठीक है. अच्छा ये एक्स लिंक डोमिनेंट आर ड्यू टू डोमिनेंट जीन violent rates are due to violent genes. For example, male is a cancer rate that is determined by SRY gene. SRY gene is found on tip of short arm or by chromosome. It is also called male sex split. It is now 6 week of pregnancy that is made of that. मेलनेस क्रिएट करता है. ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ड्यू टू ऐसे जीन जो एक्स और वाई दोनों के ऊपर होते हैं उनके सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स या ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं. They are limited to one sex only due to anatomical differences. Beard growth in males only and milk production in dairy cows, not dairy bulls. So, इस केस में जो जीन्स होते हैं वो काउंटर पार्ट से आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मेल के अंदर बियर्ड ग्रोथ के जीन्स उसकी मदर से भी आते हैं, बट मदर हैज नो बियर्ड ग्रोथ, बट शी कैन ट्रांसफर स्ट्रॉन्ग जीन्स फॉर बियर्ड ग्रोथ टू हर सन. इसी तरह एक डेयरी काउ जो है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन के जीन्स उसके फादर से भी आते हैं, मदर के साथ साथ. फादर बोल जो है इट कैन ट्रांसफर मोर स्ट्रॉन्गर जीन्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. ये एनाटॉमी का डिफरेंस है. मेल की मैंडिबल एनाटॉमी बियर्ड ग्रोथ को सपोर्ट करती है जबकि डेयरी काउ की अडल्ट एनाटॉमी मिल्क प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है. Sex influence traits are the traits which are present in both sexes present in both sexes
but frequent are both common in one gender. They occur due to hormonal differences. Baldness or pattern baldness. Baldness today, this is more in males. It is a dominant trait in males and recessive trait in females. Can cause the bulk or male genotype, homozygous dominant or heterozygous only, or bald female key genotype, homozygous recessive only. ठीक है, female तब bald होगी जब homozygous recessive हो, और male इस केस में bald नहीं है. जबकि मेल जिन दो केसेस में बाल्ड है उस केस में फीमेल बाल्ड नहीं है. इसका मतलब है कि मेल के बाल्ड होने के चांसेस फीमेल के मुकाबले में ज्यादा हैं. ठीक है ना, इसलिए मेल में आपने ज्यादा गंज बख्श ऐसे आलम देखे होंगे. ठीक है ना, एज कंपेयर टू वोमेन. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन. हमारी बुक में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की जो है ना वो जेनेटिक डिस्कस की गई है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं.
नहीं जी वो नहीं करने हैं, हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। अच्छा जी, जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया हमारे कोर्स में शामिल है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है जो ज्यादातर किसके अंदर होती है जी? मेल्स के अंदर। नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका ब्लड, उसके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग एजेंट होते हैं, जब वो कट लगता है ये क्लॉटिंग एजेंट जो होते हैं ना, ये उसके ब्लड की जो है ना वो क्लॉटिंग करवाते हैं। लेकिन हीमोफीलिक जो होते हैं वो अपने ब्लड को क्लॉट करने की एबिलिटी नहीं रखते। तो हीमोफीलिया का एक्स लिंक रिसेसिव है तो डेफिनेटली इसकी जो इनहेरिटेंस है वो क्या होती है?
अपने नाना की। ये होगी जनाब हिमोफीलिया की जेनेटिक्स। इसी तरह हमारे पास है जी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस भी एक रेयर एक्स लिंक्ड एक चीज यहाँ पे मिस वो है ना फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से मिसिंग होते हैं पॉपुलेशन कैस्केड। दोबारा हम यहाँ एब्सेंस डिस्टरबेंस और रिडक्शन। वापस आ जाए कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की दो मेजर टाइप्स हैं। टाइप्स One is called this is eight type of lapine diagrams this is the lapine monochrome
डाइक्रोमेसी और मोनोक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी क्या है? कंसेप्शन ऑफ टू प्राइमरी कलर। जब एक पर्सन जो है ना वो प्राइमरी कलर को देख सकता है, एक को नहीं देख सकता। प्राइमरी कलर कौन कौन से? प्राइमरी कलर है ना रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू। डाइक्रोमेसी की याद देखिए टाइप्स। यहाँ भी फिर तीन टाइप्स मूविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके नेम, छोटा हो गया यूनिला हो गया और अंतरिक्षा हो गया। उसी तरह दृष्टि से क्रोमोसोम पहले हम देखते हैं। अगर नहीं अगर नहीं क्रोमोसोम नहीं है जेंडर इनहेरिटेंस थोड़ा नोट किया रेड ब्लाइंडनेस, बिना हो गया ग्रीन ब्लाइंडनेस है, बिना हो गया ब्लू है। क्रोमोसोम इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें ऑटोसोम है, ऑटोसोम नंबर 7। जीन इसमें रिसेसिव है, समानसी यहाँ भी रिसेसिव है, यहाँ पर भी रिसेसिव है। जेंडर इसमें मेल, इसमें मेल और इसमें फीमेल, मेल और फीमेल। इनहेरिटेंस इज अ जिगजैग और डायलैक्ट। जबकि इसके मुकाबले में जो मोनोक्रोमेसी है इसमें सिर्फ वन कलर परसीव होता है, एक कलर इसमें नजर आता है और ब्लू कौन मोनोक्रोमेसी टू कलर ब्लाइंडनेस। इसमें सिर्फ ब्लू कौन की परसेप्शन होती है, ब्लू कलर की परसेप्शन होती है, बाकी किसी की नहीं होती। अच्छा एक चीज और, कौन सेल कौन से रेड कोन, रेड कोन ग्रीन,
और लीगल ओनियन है मोनोक्रोमेसी। मोनोक्रोमेसी के अंदर रेड और ग्रीन दोनों मिसिंग होते हैं, सिर्फ ब्लू मौजूद होते हैं, उनको ब्लू नजर आता है। ट्रू कलर ब्लाइंडनेस जो है वो मोनोक्रोमेसी है, डाइक्रोमेसी ट्रू कलर ब्लाइंडनेस नहीं। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल भाई? यहां तक क्लियर है?